और उस पार नेपाल के सारे लोग वहीं, इतनी भीड़ कैसे हो सकती है यहाँ की भीड़, और भीड़ को हम चीरते हुए आगे जाते, और यहाँ से हम गए थे अंदर को, काट लो मेरा भी चालान। अरे भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ तो आप बात करवा लीजिए, मेरे पास एक ही फ़ोन है, इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लगा रखा है, तो वहाँ पे चलते उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। अगर हमारे पास दूसरा फोन होता तो हम जरूर इनकी हेल्प करते। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वैसे ऐसे किसी को नंबर भी देना चाहिए, क्या पता है किसको फोन लगाए और मेरा नंबर चले जाए और मेरा नंबर लीक हो जाए। वैसे भी बहुत फैंस मेरे पीछे पड़े हैं आजकल। ये देखो उस साइड ब्रह्मदेव है, वही मंदिर जाने के लिए आए सब लोग, पहले माता के मंदिर जाते पूर्ण गिरी, उसके बाद यहाँ, और वहाँ भी काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है, और व्यू तो आप लोगों ने चेक कर ही लिया होगा। हमारे वहाँ आसपास ज़्यादा पानी पानी है, लोगों को पानी की कमी हो जाती है और हमें पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि हमारे आसपास पानी पानी नदी नदी है। अरे लोग बीच में रुक रखे हैं, फोटो खिंचाने के लिए रुके हैं, क्यों रुके पता नहीं। आराम से चलते, काफी भीड़ हो रही है यहाँ तो। और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, चलो जाते हैं, आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, वो दिख रहा होगा आपको, छोटे छोटे से लोग दिख रहे होंगे यहाँ से दूर दूर, काफ़ी भीड़ वहाँ पे, बच्चों का मुंडन होता है, और ये वहाँ से नदी आ रही है, आपको पहले दिखाई है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है। और वो बच्चा आगे जा रहा है, उसके घर वाले बोले आगे मत जा रहे गिरेगा। और ये शारदा नदी और उस पार नेपाल, ये सारे लोग वहीं जाने के लिए आए हैं क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ जाना ज़रूरी होता है, माता के मंदिर के बाद वहाँ भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, और वहाँ पे बच्चों के बाल भी कटते हैं, काफ़ी मार्केट लगती है। और ये बैराज है, और ये जगह भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ शाम को बैठने के लिए सही है, आराम से अपना चिल करने के लिए, पार्टी करने के लिए। बस ज़्यादा पार्टी हो जाएगी तो एक दो लोग वहाँ चले जाएंगे नहाने, फिर वो मिलते हैं या फिर गायब हो जाते पता नहीं, तो चलते हैं। और यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, और आगे तो आपको काफ़ी भीड़ दिखेगी। देखो जैसे मैं बता ही रहा था, यहाँ पे काफ़ी गाड़ी आई है तो पार्क करिए, जो लोग गाड़ी में आ रखे हैं उनके लिए पार्क करने के लिए हैं। और पार्क करने के लिए काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, और यहाँ से कार वाले अंदर जा रहे हैं। हम भी निकलते हैं यहाँ से,
देखो हमारे यहाँ पे सारे गेट खुल जाते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। काफ़ी भीड़ और उत्तराखंड पुलिस भी है यहाँ पे। इतनी भीड़ कैसे हो सकती है यहाँ? अभी तो मेला शुरू हुआ है, 2-3 दिन ही तो है मेले को, काफ़ी लोग आ गए और काफ़ी दूर दूर से, ज़्यादातर सब ये दूर से ही आ रखे हैं। बसें भी आ रखी है, सब यूपी नंबर के लोग हैं यहाँ, ज़्यादातर यूपी से ही आ रखे हैं, दूर से ही आते हैं काफ़ी। पैदल भी काफ़ी लोग चल रहे हैं, बस में आ रहे, बाइक में आ रहे, साइकिल में आए हैं, और जो ट्रेन बस में आ रखे हैं वो यहाँ टुक टुक पे जा रहे हैं। श्रद्धा होती है, कहीं से भी आ सकते हैं। और हम भी पहुंच गए मार्केट में, और जो वहां पे लोग दिखाए थे वो यही जा रहे हैं मुंडन के लिए। काफी खराब रोड और काफी लोग देख रहे हैं मोटर ब्लॉगिंग मेरी, ताकि हम भी आ जाएं। और हम निकल गए मार्केट में टनकपुर, हमारा जो विलेज वाला टूर था उससे तो हम बाहर को आ गए, यहाँ को आ गए, पर मार्केट में आ गए। अभी हम वहीं जाएंगे, वापस उसी रास्ते से जाएंगे, फिर जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था हाईवे का उससे निकल जाएंगे। अरे अंकल यहाँ से लिफ्ट ले रहे इससे, हमारे वहाँ ज़्यादा मंदिर और ज़्यादा पानी पानी है, बस नदियाँ तालाब यही सब चीज़ें हैं, तालाब तो कम है वैसे, नदियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि पहाड़ से काफ़ी पास में हमारा गांव, हमारा शहर, तो पहाड़ से तो पानी आता ही है। और ये काफ़ी भीड़, और भीड़ को हम चीरते हुए आगे जा रहे हैं, और जिस गाँव में हम थे सलानी गोट में, मार्केट से सलानी गोट का रास्ता ये है जाने के लिए, हम वहाँ से राइट को मुड़ गए थे, हमें लगा कुछ नया देखने को मिलेगा, पर वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल गई और काफ़ी भीड़ भी। रेलवे स्टेशन है यहाँ हमारा टनकपुर का, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होगे आगे को मेरे, आजकल हमें भीड़ भीड़ मिल रही है। और हम पहुंच गए उसी गांव में सलानी गोट में, ये सलानी गोट का रास्ता है, हम आगे से राइट को आ गए थे, पर यहाँ से आगे को आते रहते तो हम इसी रोड पे आते। देखिए गाइस वही रास्ता आ चुका है, हम घूम के वापस इधर ही आ चुके हैं सलानी गोट गांव में, और यहाँ से हम गए थे अंदर को, फिर वहाँ से हम बैराज में निकल गए थे शारदा नदी में जो हमारा डैम है। अब यहाँ से हम राइट को जा रहे हैं, पीछे देख लेते हैं कोई गाड़ी तो नहीं, अब यहाँ से हम हाईवे में निकल जाएंगे। यहाँ पे भी काफ़ी काम चल रहा है, जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पे
रेलवे नीचे से रोड बन रही है रेलवे क्रॉसिंग के, और रोड तभी खराब भी है, अब रोड सही हो जाएगी जब वो बन जाएगा। यहाँ से शायद दो रास्ते बनाएंगे, और यहाँ पे अंदर को साउंड टेस्ट करें बाइक की। वैसे तेज तो नहीं हमारी बाइक की साउंड, काफी अच्छा लगा, उतनी लाउड है नहीं पर यहाँ पे काफी लाउड हो गई। जब ये पूरा बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा ही बनेगा, क्योंकि ऊपर को शायद कुछ बनाएंगे वो लोग, ग्रीन सीट लगाएंगे शायद। और हम पहुंच गए उसी रोड पे, हमारे हाईवे पे, अब हम घर को जाते हैं। गन्ने वाले भी आ चुके हैं, गन्ने का जूस पिलाएंगे अभी जो लोग मंदिर को पैदल पैदल जाते थक जाते। और हमारा विलेज टूर भी काफ़ी अच्छा रहा, हम फागपुर विलेज से निकले थे, फागपुर गांव में गए थे हम, और वहां से निकले हम सलानी रोड, सलानी रोड से हम गए डैम शारदा नदी बैराज पे, फिर वहां से वापस टनकपुर मार्केट होते हुए फिर सलानी रोड से अब वापस हाईवे में आ चुके हैं। ये रोड तो हमारे ब्लॉग में सबसे ज़्यादा ही आती है, यही रोड है और तो कोई रोड है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ रोड भी मेन हाईवे शुरू हो जाता है, हाईवे के किनारे घर है, या तो गलियों के अंदर घर होता तो वहाँ दिखाते, गलियाँ दिखाते, रास्ते दिखाते, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें एक्सपेंड भी होती रहेगी, चीज़ें बढ़ते भी रहेगी, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को भी मिलेगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। पर वीडियो शेयर नहीं कर रहे आप लोग, क्या कर रहे हो, वीडियो शेयर करो ज़्यादा, अभी वीडियो मेरी वायरल हो नहीं रही है, और आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो खाली सोए रहते हैं, सब्सक्राइब करके चले जाते हैं वीडियो को, उसके बाद कुछ मतलब नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत बड़ी फैमिली बनेगी हमारी, बहुत लोग ऐड होंगे हमारी फैमिली में। और पत्ते गिर रहे हैं क्योंकि अब गर्मी आ रही है, तो पत्ते सब सूख के गिर रहे हैं, अब नए पत्ते आएंगे, फिर बरसात में पूरी हरियाली हो जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, अच्छा आगे पुलिस वालों की चेकिंग हो रही है तब ये लोग खड़े हैं, क्योंकि मेला का टाइम शुरू हो गया है, तो यहाँ पे काफ़ी बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोगों को चेक करने के लिए, क्योंकि इनके पास पेपर हो ना हो, यूपी वाले। वैसे हेलमेट में कैमरा लगने का एक फ़ायदा तो है, कोई रोकता नहीं है। और वैसे मजाक की बात अलग, पर हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके चलना चाहिए रोड पे, रोड एक ऐसी जगह है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। और आगे हमारा चालान काटने के लिए एक और पुलिस है, पर हम तो लिमिट में हैं, कोई बात नहीं काट लो हमारा भी चालान। यूपी वाले की गाड़ियाँ रोक रहे हैं, देखा मैंने कहा था यूपी वालों की गाड़ियाँ रुकेंगी यहाँ। थोड़ा दिन हो जाती है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो फिर काफ़ी गर्मी हो जाती है धूप में। तो अब हमारा घर भी आने वाला है, तो अब हम वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको विलेज टूर हमारा जो हमने विलेज को विजिट करा वो अच्छा लगा हो, ऐसे हम और विलेज गाँवों को दिखाएंगे। और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब बिना करे बिना मत जाना, और जिन्होंने सब्सक्राइब करा है वो वीडियो को शेयर करना। दिस इज़ रिवील द रियल, बाय, टेक केयर, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। What does it mean to be happy?
Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the sun?